हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल एक्सक्लूसिव केमिस्ट्री बाय पंकज सर में, जिसमें दुर्गेश सर और मैं आज आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, जिसमें आप लोगों को पोटाश एलम का फॉर्मेशन करना सिखाया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोटाश एलम के फॉर्मेशन में हमें किन किन केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब उन केमिकल्स का नाम आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और विद मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एल्युमिनियम सल्फेट की, ठीक। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पोटेशियम सल्फेट की और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक। इन सब का फॉर्मूला विद मॉलिक्यूलर वेट आपके स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हमें किन किन एपरेटस की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले देख लीजिए, फनल, ग्लास रॉड, ड्रॉपर और कुछ बीकर्स, और वेट करने के लिए हमें फिल्टर पेपर की भी ज़रूरत, और साथ ही साथ फिल्टर करने के लिए भी हमें फिल्टर पेपर की ज़रूरत भी पड़ने वाली है आपके इनऑर्गेनिक के इस एक्सपेरिमेंट में, ओके। हाँ, डिस्टिल वाटर की भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। याद रखिएगा, हम जब भी वाटर यूज़ करते हैं केमिस्ट्री लैब में तो डिस्टिल वाटर ही यूज़ किया जाता है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना ये एक्सपेरिमेंट। पहले आप लोगों के सामने ये पोटेशियम सल्फेट है, जिसे आप ये स्पैचुला की हेल्प से आप वेट करेंगे। पोटेशियम सल्फेट का वेट लेना है आपको 5 ग्राम, ठीक। अब ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करके आपको पता चलेगा कि 5 ग्राम पोटेशियम सल्फेट लेने के साथ आपको एल्युमिनियम सल्फेट कितना लेना पड़ेगा। ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पर 5 ग्राम से ज़्यादा आपका पोटेशियम सल्फेट नहीं होना चाहिए। दुर्गे सर बहुत सावधानी से वेट कर रहे हैं। फाइव ग्राम से ज़्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए पोटेशियम सल्फेट का, ओके। पोटेशियम सल्फेट वेट करने के बाद आप उसे बीकर में एज सच डाल दीजिए। इसके बाद आप एल्युमिनियम सल्फेट लेंगे। एल्युमिनियम सल्फेट आपको लेना है पोटेशियम सल्फेट से 3.8 टाइम्स ज़्यादा। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आप अगर आप 5 ग्राम पोटेशियम सल्फेट ले रहे हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट की जरूरत आपको पड़ेगी 19.12 ग्राम की, ओके। आप इससे एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है हम लोगों को कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन रहे, तो उसके लिए हमें एल्युमिनियम सल्फेट लेना पड़ेगा 19.12 ग्राम। तो ये हो गया आपका 19.12 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट। इसको भी हम लोग पोटेशियम सल्फेट जिस बीकर में रखा गया है उसी बीकर में रख देंगे। याद रखिएगा, इक्विमोलर रेशियो में लिया गया है पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, ओके। अब इस बीकर में हमें पानी ध्यान देना है आपको 150 ml से थोड़ा सा कम रखिएगा, 150 ml, ठीक है। और पानी को बहुत ज़्यादा आप लोगों को बॉयल नहीं करना है, वाटर को हॉट रखना है, ठीक है। और हॉट वाटर में हम लोग एल्युमिनियम के हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी थोड़ा सा मिलाते हैं, क्योंकि अगर एल्युमिनियम की हाइड्रोलिसिस होती है तो बनाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिससे जो सॉल्यूशन है आपका वो क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा क्लाउडी दिखने लगेगा, ठीक। तो इसको रोकने के लिए हम इसमें ऑलमोस्ट 2 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और जैसे ही आपका हॉट वाटर तैयार हो जाता है ग्लास रॉड लेकर के, इसे आप शेक करते रहेंगे जब तक आपका सॉल्यूशन क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, तब तक आप इसे शेक करते रहेंगे। थोड़ी देर में सॉल्यूशन आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाता है।
और जब तक सर सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, इसे फिल्टर करने की तैयारी कर लेता हूं मैं। आपको ध्यान देना है कि फनल में कहीं कोई इम्प्योरिटी ना हो, ठीक है। जितना आप लैब में प्योरिटी का ख्याल रखेंगे, एक्सपेरिमेंट उतना ही शार्प होगा और उतना अच्छा और बेहतर रिजल्ट आएगा। डाल दीजिए। अभी आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप इसे फिल्टर आउट कर लेंगे, जो भी थोड़ी बहुत अगर इम्प्योरिटी रहती है इसके अंदर तो वो आपकी बाहर हो जाएगी, ठीक है। आप इसे फिल्टर आउट कर लीजिए। क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा इसके फिल्ट्रेशन में। पूरा सॉल्यूशन फिल्टर करने के बाद आप इस कोनिकल फ्लास्क से सॉल्यूशन को डाल देंगे बीकर में, और बीकर में डालने के बाद हम क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट चेक करेंगे। और क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट चेक करने के लिए इस सॉल्यूशन को हम वापस से हीट करते हैं और ग्लास रॉड की हेल्प से हम क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से ग्लास रॉड से हम चेक करते हैं, आप सॉल्यूशन को हीट करते रहिए और थोड़ी थोड़ी देर पर ग्लास रॉड उसमें डाल करके बाहर निकाल करके उसके ऊपर हॉट एयर ब्लो, हॉट एयर आपको अगर नहीं मिल रहा तो आप मुंह से ही फूंक सकते हैं। फूंक करके देखेंगे कि अगर ग्लास रॉड थोड़ी सी ड्राई होकर के अगर उसके ऊपर क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो दैट मीन्स कि हम क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक पहुंच गए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बताया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है, ठीक। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पर हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इस सॉल्यूशन को हिट किया जा रहा है। दुर्गेश सर को प्रिंसिपल सर ने बुला लिया है, तो पाठक सर आए हैं हेल्प के लिए। और इस तरह से आप फूंकते रहेंगे और थोड़ी देर बाद आपको खुद दिखाई देगा कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन ग्लास रॉड पर स्टार्ट हो जाता है। हम उसी समय सॉल्यूशन को बाहर निकाल करके या आपके इस बर्नर से नीचे करके रख देंगे, ठीक। देखिए आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा वाइट डेंस कलर का क्रिस्टल का फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है और थोड़ी देर बाद आपको सरफेस पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर फील भी होता है कि हाँ कुछ क्रिस्टल जैसा यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया है। ओके, और क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर आपको सॉल्यूशन को क्या करना है, बर्नर से हटा करके ठंडा होने के लिए रख देना। इस सॉल्यूशन को आपको इस ठंडे पानी में रखने के लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद आपको यहाँ पर इस तरह से क्रिस्टल बनते हुए दिखाई देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम क्लियरली कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन यहाँ पर बेस में, बीकर के बेस में बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये जब इसको बाहर निकालते हैं इस मदर लिकर से, ये आपका जो भी सॉल्यूशन बच रहा है इस क्रिस्टल के अलावा उसे मदर लिकर कहते हैं। उसे निकालने के बाद बहुत ही खूबसूरत आपका ये इस तरह का पोटाश एलम का क्रिस्टल बना हुआ देखने को मिलता है। हाँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा,
पोटाश एलम का क्रिस्टल। ओके, तो ये आपका बन गया है पोटाश एलम का क्रिस्टल, और इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, कितना वेट आया है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके।